तो एक पहचान है, दूसरी पहचान जो बड़ी पहचान है वो आपकी फिल्मी नगमा निगारी है, और अब जोरदार तालियां बजा लें प्लीज। इतना अच्छा क्यों सुनते हो? क्या सुन रहे हैं यार, आपसे क्या गुफ्तगू की जाए, बस शायरी सुना रहा हूँ। वसीम साहब से इजाजत, फरहत भाई से भी इजाजत चाहता हूँ, वो भी मेरे बड़े हैं, दानिश भाई से भी इजाजत चाहता हूँ। चाहता हूँ कि कुछ ऐसा सुनाऊं जो नहीं सुना है ना? क्या बात। जब अच्छे सुनने वाले मिलते हैं ना तो मैं और थोड़ा सा गहरा हो जाता हूँ। अच्छा दोहे, अच्छा मैं सुना दूंगा। मैं अभी दोहा कहना शुरू किया है, वो सुना दूंगा मैं। के छांव में रह के मेरी प्यास न मर जाए कहीं। वाह। छांव में रह के मेरी प्यास न मर जाए कहीं, जख्म भर जाने से एहसास न मर जाए कहीं। वाह 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 वा। ये मतलब ऐसे सुन लिया यार, कमाल है। अभी हाथ पांव भी नहीं निकाले थे मैंने, डरता हूँ फरहत भाई कहते पहलवान हो गया ये शायर। छांव में रह के मेरी प्यास न मर जाए कहीं, जख्म भर जाने से एहसास न मर जाए कहीं। शेर सुनना यार, बहुत गहरी गजल है, मैं सुनाते नहीं मुशायरों में, रन बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। जख्म भर जाने से एहसास न मर जाए कहीं, आके ले जा के बहुत शोर है दिल में मेरे। वाह वाह। आके ले जा के बहुत शोर है दिल में मेरे, तेरी तन्हाई मेरे पास न मर जाए कहीं। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। शायरी अच्छी तब आती है जब सुनने वाले पे शायर भरोसा करता है, नहीं तो फिर वो ग्रैंड मस्ती बनती है। जख्म भर जाने से एहसास न मर जाए कहीं, आके ले जा के बहुत शोर है दिल में मेरे, तेरी तन्हाई मेरे पास न मर जाए कहीं। शेर हुआ है कि घोंसला देख के जागी है मकां की ख्वाहिश। बहुत शुक्रिया, आज सब ऐसे ही सुनाने वाला हूं मैं। घोंसला देख के जागी है मकां की ख्वाहिश, डर रहा हूं मेरा बनवास न मर जाए कहीं। भाई वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया यार, लव यू मेरी जान। घोंसला देख के जागी है मकां की ख्वाहिश, डर रहा हूं मेरा बनवास ना मर जाए कहीं। मेरी बहती हुई आंखों में तेरे ख्वाब की फसल, मिसरे का प्रोसेस देखो यार। वाह। बहती कह रहा हूं, भीगी नहीं, कोई कमजोर शायर होता भीगी आंखें बोलता। मेरी बहती हुई आंखों में तेरे ख्वाब की फसल, बाढ़ के पानी में ये घास ना मर जाए कहीं। बाढ़ के पानी में ये घास ना मर जाए कहीं, बाढ़ के पानी में ये घास ना मर जाए कहीं। और कुछ शेर ऐसे ही सुना रहा हूं जो आपने नहीं सुने हैं या बहुत कम कहीं सुन लिया होगा। कि जो उर्दू पढ़ते हैं वो तो एक लफ्ज है, या तोए भी बोलने लगे हैं आजकल मॉडर्न उर्दू में, उसका काफिया है। देवनागरी में लिखा जाएगा तो
ता में सभी आ जाते हैं, लेकिन ये तो इकाई इसमें काफी बहुत कम है, और उन काफियों को शेर बना लेना या शेर हो जाना, अपने आप में उलझे थे खलत मलत जैसे, गड़बड़ हो जाना एकदम, अपने आप में उलझे थे खलत मलत जैसे, कैसे कोई पढ़ पाता हम थे दस्तखत जैसे। अपने शायरों पे भरोसा नहीं करते, कहते हो हिंदुस्तान में शायरी नहीं होती, खाली पाकिस्तान में होती है। अपने आप में उलझे थे खलत मलत जैसे, कैसे कोई पढ़ पाता हम थे दस्तखत जैसे। शेर सुनो पेंटिंग लफ्जों में, रात उसकी आंखों में अश्क ऐसे तैरे थे, रात उसकी आंखों में अश्क ऐसे तैरे थे, नीली नीली झीलों में उजली उजली पत जैसे। बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत, कितना अच्छा सुन रहे हो यार, लूट लिया मुझे यार। रात उसकी आंखों में अश्क ऐसे तैरे थे, नीली नीली झीलों में उजली उजली बत जैसे, नीली नीली झीलों में उजली उजली बत जैसे, चांद गर्क होते ही, ये भी पेंटिंग है, चांद गर्क होते ही चांदनी के धब्बों से, चांद गर्क होते ही चांदनी के धब्बों से, बन गए थे बादल में तेरे खालो खत जैसे। हर्ष, बहुत शुक्रिया। चांद गर्क होते ही चांदनी के धब्बों से, बन गए थे बादल में तेरे खालो खत जैसे, शेर के जाने क्या हवाओं ने लिख दिया दरख्तों पर। वाह, जाने क्या हवाओं ने, जाने क्या हवाओं ने लिख दिया दरख्तों पर, सारे पत्ते लगते हैं मुझको तेरे खत जैसे। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया मेरी जान, खुश रहें। जाने क्या हवाओं ने लिख दिया दरख्तों पर, सारे पत्ते लगते हैं मुझको तेरे खत जैसे। इश्क किससे करूं, इश्क करने के लिए भी हिंदुस्तान में तो कर ही नहीं सकते हो आजकल। और इश्क के बिना शायरी होती नहीं है, करें तो क्या करें। इश्क किससे करूं, बैराग कहां से लाऊं। इश्क किससे करूं, बैराग कहां से लाऊं, दिल जलाने के लिए आग कहां से लाऊं। इश्क किससे करूं, बैराग कहां से लाऊं, जो कहता है ना हिंदुस्तान में शायरी नहीं होती, उसको पकड़ के लाओ, कागज पर माइक पर उसके साथ में बैठा दो। इश्क किससे करूं, पकड़ भी रखा है हम लोगों ने। यूथ भी बहुत अच्छा लिख रहा है, मैं लड़ रहा हूं जाके दुबई में, वहां पे जाके कतर में लड़ रहा हूं, तुम लोग अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो। फराद भाई लड़ रहे हैं भाई, तालियां बजाएं इस बात के लिए। तो वाकई अभी कतर का भी वीडियो देखना, वहां भी लड़के आया हूं मैं। इश्क किससे करूं, बैराग कहां से लाऊं, दिल जलाने के लिए आग कहां से लाऊं, मसला
जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है। मसला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है, जिस्म डसवाऊं मगर नाक कहां से ला। भाई वाह 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 वाह। मसाला जहर की ख्वाहिश का भी पेचीदा है, जिस्म डसवाऊं मगर नाक कहां से लाऊं। मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने। शेर सुन लो मेरी जान, ये शेर सुन लो। मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मैं किनारों के लिए झाग कहां से लाऊं। खुश रहे खुश रहे यार, मजा आ गया यार। रंजीत भाई पैसा तो देते नहीं, ये प्यार का प्यार जो मिलता है ये काफी है। मेरे पानी से नमक छान लिया दुनिया ने, मैं किनारों के लिए झाग कहां से लाऊं। और जिंदगी मैं तेरे सुरताल से नावाकिफ हूं, जिंदगी मैं तेरे सुरताल से नावाकिफ हूं, तुझको गाने के लिए राग कहां से ला। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया यार, मजा आ गया। जिंदगी मैं तेरे सुरताल से नावाकिफ हूं, तुझको गाने के लिए राग कहाँ से लाऊं, तुझको गाने के लिए राग कहाँ से लाऊं। मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, रात के जैसा मगर भाग कहाँ से लाऊं। मैंने भी चांद को चाहा है बड़ी शिद्दत से, रात के जैसा मगर भाग कहाँ से लाऊं। कागज पर एक फूल खिलाता रहता हूँ, कागज पर एक फूल खिलाता रहता हूँ, मैं तेरी तस्वीर बनाता रहता हूँ। कागज पर एक फूल खिलाता रहता हूँ, मैं तेरी तस्वीर बनाता रहता हूँ। ये शेर सुन लेना, मैं तेरी तस्वीर बनाता रहता हूँ। दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दे, दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दे, मैं कमरे में ख्वाब सजाता रहता हूँ। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ये कब है पाकिस्तान से? दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दे, मैं कमरे में ख्वाब सजाता रहता हूँ, मैं कमरे में ख्वाब सजाता रहता हूँ। उसकी आंखों में उतरना भी हमें आता है, उसकी आंखों में और डूब जाए तो उभरना भी हमें आता है। वाह 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 वाह, उसकी आंखों में उतरना भी हमें आता है, डूब जाएं तो उभरना भी हमें आता है। ये शुर मैं जो सुना रहा हूँ, ये सुनेंगे तो आप सोचेंगे साला ये मीर के ज़माने का कोई शायर आ गया क्या, ये जो सुनाने जा रहा हूँ। उसकी आँखों में उतरना भी हमें आता है, डूब जाएं तो उभरना भी हमें आता है। हम तेरी जुल्फ नहीं हैं मगर ऐ जाने बहार,
हम तेरी जुल्फ नहीं है, मगर आए जाने बहार तेरे शानों पे बिखरना भी हमें भाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है भाई। वाह वाह वाह, हम तेरी जुल्फ नहीं है, मगर आए जाने बहार तेरे शानों पे बिखरना भी हमें आता है। और ये शेर सुन ले, तेरी आशिक जो है ना, हमें ऐसा रोता धोता नहीं, कभी कभी शाहरुख खान होता है वो दीवाना का। तेरे शानों पे बिखरना भी हमें आता है, उससे कहना कि बहुत राह तक आए ना हमें। वाह। उससे कहना कि बहुत राह तक आए ना हमें, वरना चुपचाप गुजरना भी हमें आता। वाह 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 वाह, वाह। टूट कर जां के खराबे में पड़े रहते हैं। वाह। टूट कर, ऐसी शायरी कोई सुनाने की हिम्मत नहीं कर सकता जो मैं सुना रहा हूं। टूट कर मेजबान भी है, दारोगा भी है मुशायरे के ये। टूट कर जां के खराबे में पड़े रहते हैं, टूट कर जां के खराबे में पड़े रहते हैं, अपने ही शोर शराबे में पड़े रहते हैं। वाह वाह वाह, अपने ही शोर शराबे में पड़े रहते हैं, और कत्ल करता है कोई ख्वाब में आकर हमको, रात भर खून खराबे में पड़े रहते हैं। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। कत्ल करता है कोई ख्वाब में आकर हमको, रात भर खून खराबे में पड़े रहते हैं। दारोगा ने डंडा पीछे दिखा दिया है, तीन तीन इशारा था, अभी डंडा नहीं आया। तीन चार शेर सुन लें और एक नज्म मैं सुनाऊंगा, वो पर्दे के पीछे का अंधेरा। आज फिल्म पर भी बड़ी गुफ्तगू हुई, मैंने भी गुफ्तगू की, मैंने और तनवीर ने, एक अच्छा झोला भी मिला उसमें, झोले में भी कुछ है, अभी देखा नहीं क्या है। तीन शेर सुन लें, सुनाना तो और भी बहुत चाहता था मगर ये सुनाने नहीं देंगे। तीन चार शेर, मैं तो मारा ही जाऊंगा, आप भी मारे जाएंगे। तीन चार शेर सुन ले, ये भी नई गजल है, और फिर वो नज्म सुनाऊंगा मैं। अच्छा मैं हाँ, दो दोहे सुन ले, दो बिल्कुल सुनाता हूँ। अरे मतलब आपकी फरमाइश सर आंखों पर यार, मेरी ताकत है आप यार। हाँ मैं ये दो दोहे सुनाता हूँ कि दरवाजा रक्षा करे इतराए दरबान, दरवाजा रक्षा करे इतराए दरबान, कुर्ते को मालूम है तन ढाके बनियान। भाई वाह वाह वाह। एक दूसरा सुन लें, जो खोया अनमोल था, जो पाया वो धूल। वाह। है ना, जो शादीशुदा हैं वो जरा ये शेर सुन के सुधर जाएं। जो खोया अनमोल था, जो पाया वो धूल, आंगन बेला पग चुभे महके दूर बबूल। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया यार, दोहा भी इस तरह से सुना आपने। अब ये मैं नज़्म सुना, नहीं वो तीन शेर बाकी है। हाँ। और भी उसका वादा है, तीन चार शेर, हाँ वो सुन लें और फिर ये नज़्म सुनाऊंगा मैं। अरे वो सब तो आप सुनते रहते हैं मेरी जान, आज मैंने आपको नया नया सुनाया, मजा आया ना आपको। तो शकील आज़मी के बहुत रंग हैं, धीरे धीरे सात किताबें हैं यार, दो घंटे सुनाऊंगा मैं, तीन घंटे। तो अब ये सुन लें,
मजा आ जाएगा इसी में, सारी गजलों का मजा आ जाएगा ये तीन चार शेर सुनाने जा रहा हूं जो मैं। उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, मैं अपनी वाली के बारे में कह रहा हूं, आप लोग अपनी वाली के बारे में समझो। उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। यहाँ से दो तीन शेर सुन ले भाई, नया लगे अच्छा लगे तो ही दाद देना, चुप रहना। फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे, मैं उसके छूने से। फरहाद भाई देखिए आज मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, ना चिल्ला रहा हूँ ना हाथ पांव निकाल रहा हूँ। इसीलिए उसी के हुस्न उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे, सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत दवा दी, दवा तो खाई नहीं, मैं उसके छूने से अच्छा हुआ बताता किसे, सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। और ये दो दुनी पांच वाला शेर आ रहा है, आज का शेर है, धीरे से बता रहा हूँ। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में, इसी खता पे बुझाए गए चराग मेरे। शेर सुन लो मेरी जान, नया लगे तो बताना। इसी खता पे बुझाए गए चराग मेरे, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में। वाह 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 वाह। अरे भाई मुकर्रर का मतलब जानता हूँ, मुकर्रर पढ़ रहा हूँ। इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे, मैं जानता था बहुत कुछ हवा के बारे में, और तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल, पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। वाह वाह, तमाम शहर इबादत में उसकी था मशगूल, पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। और ये नज्म पर्दे के पीछे का अंधेरा, ये उन फनकारों की बात करती है ये नज्म जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, चाहे वो गीतकार हो, म्यूजिक डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो, खुद कैमरामैन जो दिखा रहा है वो खुद पर्दे के पीछे है, ये नज्म उनकी बात करती है। यहाँ बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जो मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे होंगे, फिल्मों में जाने वाले होंगे, और कई फिल्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं बम्बई से, सबको जिसको चाहते हैं बुला लेते हैं। बड़ी दादागिरी है इस दारोगा की। नज़्म पढ़ रहा हूँ मैं। पर्दे के पीछे का अंधेरा, ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहाँ हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी। ये फिल्मी दुनिया है ऐसी दुनिया जहां हमेशा से एक्टरों की है हुक्मरानी, बगैर इनके न कुछ है मंजर न कुछ कहानी। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। सड़क से बाजार और घर तक हर एक जानिब ये दिख रहे हैं, यही करोड़ों में बिक रहे हैं। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब हैं, लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ हैं। हजारों फनकार अपने फन से जो इनकी फिल्में सजा रहे हैं, कहीं वो गायब हैं, लापता हैं, न जाने किसकी वो बद्दुआ हैं। करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं, बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के जल रहे हैं। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। अब क्लाइमेक्स आ रहा है नज्म का, आखिरी हिस्सा, राइटर का दर्द आता है वहाँ से, चाहे वो स्टोरी राइटर हो, स्क्रीन प्ले राइटर हो, डायलॉग राइटर हो, या सॉन्ग राइटर हो।
करोड़ों मजदूर अपने कांधों पे लाइटों का पहाड़ उठाए कई जमानों से चल रहे हैं। बहुत अंधेरा है उनके घर में जो पीछे पर्दे के जल रहे हैं। इसी जहां में है एक कलम भी कि जिससे निकला था एक गब्बर, कि जिसने लिखा था एक मोगैम्बो, कि जिसने सोचा था एक बिरजू, कि जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। वाह, विजय की तलाश, वाह। इसी जहां में है एक कलम भी के जिससे निकला था एक गब्बर, के जिसने लिखा था एक मोगैम्बो, के जिसने सोचा था एक बिरजू, के जिसने पर्दे पे एक विजय की तलाश की थी। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी। वाह। इसी कलम ने विलन को मारा, बदी पे नेकी की जीत लिखी, रिवाज नफरत का काट डाला, नई मोहब्बत की रीत लिखी। कलम कलम ने हेक्टर को जान दी है, खामोशियों को जबान दी है। बहुत इनायत, नज़्म खत्म हो रही है कि कलम ने एक्टर को जान दी है, खामोशियों को जबान दी है। कलम ने लिखे हैं गीत ऐसे, कमाती फिल्में हैं जिनसे पैसे, मगर कलम की नहीं है कीमत, मगर कलम की नहीं है इज्जत। मिलेगा कब इस कलम को चेहरा, वो दौर आएगा कब सुनहरा। मैं पीछे पर्दे के सोचता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ, ये खेल बरसों से देखता हूँ। हाँ, खड़े हो, बिल्कुल। साथियों,